हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मैथ्स एक्सरसाइज हमारी 4.7। ओके, ये एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो हमें क्या लिखना, फाइंड फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, ये हम दो तीन पार्ट किसके करा दे रहे हैं, दो पार्ट करा दे रहे हैं, ये एक और ये आप होमवर्क में कर लेना, और इसका डी पार्ट है वो भी होमवर्क में करना। ओके स्टूडेंट्स, कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है 4 एंड 6। तो 4 के सबसे पहले मल्टीपल लिख लो, 4, 8, 12, 16। ओके, 20, 24, 30, 28, 32, 36 एंड 40 ऐसे लिख ले रहे हैं। अब 6 के लिख लो, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड 60। मतलब एक तरह से टेबल ही लिख लिया, 6 ऐड कर करके। ओके, तो सबसे पहले तो 4 और 6 का जो कॉमन है वो कितना आ रहा है इसमें, यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, देखो दोनों में कॉमन है। इसके बाद में क्या आ रहा है, 24 और 24 यहाँ पे है। उसके बाद में कौन सा, 36, 36 दोनों में कॉमन है। ओके, तो फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल यहाँ पर लिख लो, कॉमन मल्टीपल आर 12, 24, 36। ओके, तो इस टाइप से हम लिख लेंगे। अगर ऐसे नहीं करना चाहो आप, तो आपके पास दूसरा मेथड ये है कि 4 और 6 का एलसीएम लो, 4 कॉमन 6 का एलसीएम, 2, 2 जो 4, 2, 3 या 6, फिर 2 से डिवाइड 2 जो 2, 3, फिर 3 से डिवाइड 1 और 3। तो इनका जो 2, 2 जो 4, 3 इनका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा कितना, 12। अब 12 के मल्टीपल लिख लो, 12, 24, 36 है ना, 48, 60। तो ये कितने भी आप लिख सकते हो, हमने 3 लिखे हैं स्टार्टिंग वाले, 12, 24, 36। आगे लिखने हैं तो और भी आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपके आंसर होते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। इसका बी पार्ट है, सी पार्ट है, सी 3, 5 एंड 6। तो 3, 5 एंड 6 का इसका एलसीएम ले लो, 3, 5, 6 का, तो 2 से डिवाइड किया, 3, 5, 3। अब 3 से डिवाइड दो, 1, 5, 1। अब 5 से डिवाइड दो, 1, 1, 1। ओके, तो एलसीएम आपका हो गया ये। ओके, एक बार फिर से देख लो, जिन बच्चों ने दिखाई दिया, 2 से डिवाइड किया तो 3 हो गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3। अब 5 से डिवाइड दो, ये आ गया। अब एलसीएम इनका हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2, 3 और 6 पर 30। अब इसके जो कॉमन मल्टीपल, एक तो फर्स्ट 30 हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप से आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, 12, 20 इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 12 का जो एलसीएम आएगा, 12 और 20 का, वो क्या आएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड देते हैं, 2 6 जो 12, 2 1 जो 2, 0। ओके, फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 3 है 6, 2 5 जो 10। ओके अगेन, अब डिवाइड किससे देंगे, इसमें 3 से डिवाइड देंगे, तो 3 से डिवाइड किया, 3 1 जो 3, 5। अब 5 से डिवाइड किया, 1, 1। ओके स्टूडेंट्स, अब एलसीएम लिख के यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, 2 2 या 4, 4 2 4 3 या 12, 12 5 60। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 आ जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के सारे पार्ट आप लोग सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आपका होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।